खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आज की बड़ी खबर यकीनन अगर कोई है तो वो सियासी खबर है और वो मोदी का मेगा शो है जो वाराणसी में आज होने वाला है। 2014 आपको याद होगा, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, इस बीच बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर। प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ेंगी, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। देखिए ये खबर आई भी किस दिन, उसी दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं वाराणसी में। कांग्रेस के खेमे से बड़ी खबर यह कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब तक सस्पेंस था इस बात को लेकर कि क्या प्रियंका गांधी वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकेंगी या नहीं ठोकेंगी। खुद उनके भाई राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हाल फिलहाल में एक मीडिया हाउस को जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो भी उन्होंने सस्पेंस बनाकर रखा था। प्रियंका गांधी की तरफ से खुद वाराणसी से चुनाव लड़ने को लेकर कुछ भी कहा नहीं जाता था सीधे तौर पर। लोगों से वो जरूर ये पूछती थी सवाल, क्या मैं लड़ूं वाराणसी से चुनाव लड़ूं, इस तरीके के सवाल वो पूछा करती थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं एक सस्पेंस जो बना हुआ था। और अब बड़ी खबर ये, प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। 2014 में तीसरे नंबर पर रहे थे अजय राय और कांग्रेस ने एक बार फिर अजय राय को ही वाराणसी से अपना उम्मीदवार बनाया है। अजय राय 2014 में भी वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार थे और एक बार फिर कांग्रेस ने अजय राय पर खेला है बड़ा दाव। प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। इससे पहले यही कहा जा रहा था कि रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में बिल्कुल आसान, और अब जब कांग्रेस की तरफ से भी प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी को लेकर सस्पेंस खत्म कर दिया गया है तो फिर यकीनन यहां कोई चुनौती बचती ही नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। हम सीधे रुख करते हैं बीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेन्द्र, तो तस्वीर साफ हो गई है, प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ेंगी, अजय राय के नाम का ऐलान कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया। बिल्कुल रोमाना, आपसे कुछ चंद सेकंड पहले कांग्रेस ने गोरखपुर और बनारस इन दो लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बनारस से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय होंगे, ये वही अजय राय हैं जो 2014 में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि तब 2014 में अजय राय तीसरे स्थान पर आए थे, मोदी को मुख्य मुकाबला जो है वो अरविंद केजरीवाल ने दिया था, लेकिन इस बार लगता है कि मोदी बनाम अजय राय होने जा रहा है यहाँ पर मुकाबला। और सबसे बड़ा जो पर्दा उठा है वो प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर के जो सस्पेंस था उस पर से अब जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया है, तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव नहीं लड़ेंगी, कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे अजय राय, और इसके अलावा गोरखपुर से भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। मधुसूदन तिवारी होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। तो दो सीटें जो बची हुई थी यूपी की, उन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जीरो माना, तो वाराणसी से प्रियंका गांधी को ना उतारने के पीछे रणनीति क्या नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की? देखिए रोमाना, प्रियंका गांधी बनारस से लड़ेंगी, इस बात की अटकलें तब लगनी शुरू हुई थी जब अमेठी रायबरेली दौरे के दौरान प्रियंका गांधी से जब एक कार्यकर्ता ने कहा कि आप चुनाव लड़िए तो उन्होंने मजाकिया लहजे में उनसे पूछ दिया कार्यकर्ता से कि क्या बनारस से लड़ जाऊं, और तब से ये अटकलें लग रही थी कि क्या प्रियंका बनारस से लड़ेंगी। चूंकि सस्पेंस बनाकर रखा था कांग्रेस ने पूरे तरीके से, ना तो हाँ बता पा रहे थे ना ही का संकेत दे रहे थे, इस वजह से संकेत था। हम दावे से नहीं कह सकते कि प्रियंका गांधी को लड़ाने को लेकर के कितनी गंभीर थी पार्टी, लेकिन हाँ जिस तरीके से ये चर्चा चल पड़ी थी, अंदर खाने जरूर बड़े नेताओं से जब हम बात करते थे तो वो भी गंभीरता से इस बात का जवाब देते थे, हालांकि कोई भी स्पष्ट कहने की स्थिति में नहीं था, तो निश्चित तौर पर विचार जरूर हुआ होगा। लेकिन प्रियंका गांधी को उतारा जाए या नहीं उतारा जाए, ये रणनीति किस हद तक रही होगी इस पर दावे से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसा राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस चाहती थी कि सस्पेंस बना रहे, हो सकता है कि अंत अंत तक ये तय नहीं कर पाई हो पार्टी की लड़ाना है या नहीं, और इस वजह से अंत में ये फैसला लिया गया हो कि प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी बल्कि अजय राय ही बनारस से चुनाव लड़ेंगे। और तो जैनेन्द्र, इस मामले में जो सबसे नई खबरें आई मीडिया में वो ये थी कि देखिए राहुल गांधी नहीं चाहते प्रियंका गांधी वाराणसी से उम्मीदवार बने, खुद प्रियंका गांधी चाहती हैं वो वाराणसी से उम्मीदवार बने, और अब फैसला जो है वो सोनिया गांधी पर छोड़ दिया गया। हालांकि अपुष्ट सूत्रों के हवाले से ये खबरें आई, तो ऐसे में क्या माना जाए, सस्पेंस इसी वजह से बना हुआ था क्योंकि एकमत पार्टी में नहीं बन पा रहा था, इस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज ये सवाल जो आपके साथ
सामने रख रहा है, वाराणसी नहीं तो प्रियंका गांधी कहीं से भी नहीं चुनाव लड़ेंगी क्या? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। 2019 का चुनाव मतलब नहीं लड़ेंगी प्रियंका गांधी। अब चुनाव लड़ने को लेकर प्रियंका गांधी के जितने सवाल हैं उस पर विराम लग जाना चाहिए। जी जैनेन्द्र, देखिए रोमाना, दो सीटें थी जिसको लेकर के कयास लग रहे थे, एक तो इलाहाबाद फूलपुर और इसके अलावा बनारस। इलाहाबाद और फूलपुर जो है वो कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही हैं। फूलपुर का उम्मीदवार बहुत पहले ऐलान कर दिया था कांग्रेस ने। इलाहाबाद की सीट खाली थी, वो भी अभी दो दिनों पहले वहां पर 2009 में जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको कांग्रेस ने शामिल कराकर अपना उम्मीदवार घोषित किया। फिर बनारस बचा हुआ था तो कयास लग रहे थे बनारस को लेकर के। तो अब लेकिन जाहिर है रोमाना कि अब कोई सीट बची नहीं है जहां से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की संभावना है। तो हम कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, पहला सवाल, पहले सवाल का जवाब। जहां तक दूसरे आपका दूसरा सवाल था कि क्या परिवार के अंदर और पार्टी के अंदर अलग अलग राय थी प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए गांधी परिवार जो है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अलग अलग जो है वो ये नहीं है कि एक दूसरे की बात को काटने की स्थिति में वहां पर लोग हैं। जो भी फैसला होता है वो सामूहिक होता है। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी का मत ये था कि पार्टी का जहां से भी फैसला होगा वहां से वो चुनाव लड़ने को तैयार है, चाहे वो इलाहाबाद हो, गोरखपुर हो, बनारस हो या कोई भी सीट हो। लेकिन पार्टी में सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी राय की ही फैसले नहीं लेते रोमाना। जाहिर सी बात है हर चीज को लेकर के एक रणनीति होती है। फैसले लेने से पहले कई चरण में विचार होता है, स्थानीय नेताओं का फीडबैक होता है, राज्य स्तर के नेता, प्रदेश स्तर के नेता, राष्ट्रीय स्तर। ठीक है जैनेन्द्र, मैं जैनेन्द्र आपके पास लौटूंगी। देखिए मेरे साथ अब पंकज झा भी जुड़ गए हैं। पंकज, वो कहा जाता है ना कि बिना आग के तो धुआं होता नहीं है, और जिस तरीके से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारों को लेकर चर्चाएं तो बहुत जोर शोर से हो रही थी, आखिरकार रणनीति बने क्या जो उम्मीदवारी खत्म कर दी गई प्रियंका गांधी की वाराणसी से? रोमाना, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत पहले से हम इस बात को कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। अलग अलग जगहों से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी। कभी ये था कि सोनिया गांधी के बदले वो लड़ सकती हैं रायबरेली से, फिर इलाहाबाद की बात आई, यानी प्रयागराज जिसको हम कहें, फिर बात आ गई कि वो कहीं और से लड़ लेंगी या फिर हो सकता है वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ। लेकिन ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति थी, कहीं से नहीं लड़ना था। ये था कि इस तरह से प्रोजेक्ट करके कि प्रियंका वाराणसी से लड़ सकती हैं, बीजेपी को थोड़ा सा डराने और फंसाने की उसकी रणनीति में उलझाने की कोशिश करती, और उस कोशिश में आज देखिए टाइमिंग राजनीति में बहुत महत्व रखता है रोमाना। मैं इस बात को जब कह रहा हूँ, आज पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो है वाराणसी में, कल वो नामांकन करेंगे, और आज के दिन जब पूरा फोकस प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो और वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, कैसी अपनी बात रखेंगे उस पर है, उस बीच में कांग्रेस का ये फैसला आता है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। देखिए जैसा अभी आदेश कह रहे थे कि भाई और बहन राहुल और प्रियंका दोनों की आम सहमति से कोई फैसला होता है, और ये जो कहा जा रहा है कि प्रियंका लड़ना चाहती थी, राहुल गांधी ऐसा नहीं चाहते थे, ये सब कुछ नहीं था, ये सोची समझी रणनीति थी और आज वो रणनीति का आखिरी दांव था। अच्छा, लेकिन पंकज, बड़ा दिलचस्प एक मामला ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि एक चर्चा अभी भी मैं इसलिए जोड़ रही हूं क्योंकि आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन अभी भी एक चर्चा ये चल रही है कि डमी कैंडिडेट हो सकते हैं अजय राय, क्योंकि समय तो अभी रहेगा, 29 अप्रैल तक समय है नामांकन दाखिल करने का। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, 29 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन इससे पहले भी प्रियंका गांधी और मैं बताऊं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई थी, और तब समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया था। उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है ये मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन उसके बाद ही शालिनी यादव को वाराणसी से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। तो ये मानकर चला जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रियंका यहाँ से नहीं लड़ेंगी और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार दे दिया। हाँ, मैं आखिर में एक बात जरूर कह दूँ कि राजनीति में किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी सोची समझी रणनीति ही है। बिल्कुल, संभावनाओं का खेल राजनीति, आप आखिरी वक्त तक किसी भी चीज से पूरी तरीके से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, कभी भी कोई बदलाव हो सकता है। और ये जो चर्चाएं बहुत जोर पकड़ रही थी ना कि प्रियंका गांधी वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उम्मीदवार बनाई जा सकती हैं, खुद अजय राय जिन्हें अब उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से वाराणसी से, उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर बयान दिया था, जरा सुनिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब लोग कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर व्यक्ति आज बहुत ही प्रसन्न है कि प्रियंका गांधी जी को महासचिव बनाया गया, और विशेष रूप से हम लोग काशीवासी, पूर्वांचल के लोग ज़्यादा प्रसन्न हैं कि उनको यहाँ का इंचार्ज बनाया गया है। और
हम सब लोगों की मांग है, हम सब लोग चाहते हैं कि प्रियंका दीदी आवे बनारस से चुनाव लड़े और हम सब लोग जमकर उनके लिए मेहनत करेंगे और काशी की धरती से उनको यहाँ से भारी मतों से चुनाव जिताकर हम लोग पीछे। तो सुना आपने अजय राय किस तरीके से बाकायदा निमंत्रण दे रहे थे कि प्रियंका गांधी आए, उम्मीदवार बने वाराणसी से और सीधी टक्कर दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन अब से कुछ देर पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से वाराणसी से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है और यही अजय राय जिन्हें अभी आप सुन रहे थे 2014 में भी यही कांग्रेस के उम्मीदवार थे, एक बार फिर अजय राय को ही उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से बना दिया गया है। और देखिए ये कयास ज्यादा इस वजह से लगाए जा रहे थे क्योंकि खुद प्रियंका गांधी जब जब कैमरे पर उनसे पूछा जाता था आप चुनाव लड़ेंगी, आपकी क्या प्लानिंग है, आप वाराणसी से उम्मीदवार बनेंगी, वो किस तरीके से कभी भी इन सवालों को ना में जवाब नहीं देती थी, इन सवालों को खारिज नहीं करती थी, बल्कि कहीं ना कहीं अपने जवाब में गुंजाइश बाकी रखती थी कि कुछ भी हो सकता है। ये सुनाते हैं आपको। प्रियंका जी तो ये प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, उनसे पत्रकार जो है वो लगातार ये पूछ रहे थे कि प्रियंका जी वाराणसी 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 को लेकर सवाल पूछा जाता था और मना नहीं करती थी, वो कह देती थी जहां से मेरी पार्टी कहेगी वहां से मैं चुनाव लड़ लूंगी। पंकज झा इस वक्त हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, हम पंकज से समझना चाहते हैं। पंकज, इसका मतलब ये कि अब 2019 में चुनाव नहीं लड़ रही हैं प्रियंका गांधी, सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका में ही प्रियंका गांधी को हम देखेंगे? देखिए वर्तमान जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं और मुझे जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के आसपास के करीबी नेता हैं उनसे जो समझकर उनकी रणनीति के हिसाब से जो जानकारी मिल रही है उसमें यही है कि प्रियंका गांधी पार्टी की स्टार प्रचारक रहेंगी, चुनाव वो लड़ना चाहती है जैसा कहा जा रहा है और राहुल गांधी चाहते हैं कि किसी बड़े नेता के खिलाफ प्रियंका गांधी चुनाव न लड़े, ऐसी एक जो आपसी में समझदारी बने कि कोई बड़े नेता के खिलाफ कोई बड़ा नेता चुनाव न लड़े, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी चाहते हैं। लेकिन फैसला आखिरी होता है भाई बहन का और इस मामले में मुझे नहीं लगता है कि वाराणसी से प्रियंका चुनाव लड़ेंगी और जैसा राहुल गांधी पहले ही उनका रोल तय कर चुके हैं कि वो यूपी में बनी रहेंगी, उनका जो एजेंडा है वो 2022 का है, उस 2022 के एजेंडे में वाराणसी से प्रियंका के चुनाव लड़ने के मामला समझ में नहीं आता है। हालांकि आपने खुद देखा अभी बार बार जब भी उनसे सवाल हुआ उन्होंने साफ साफ कभी मना नहीं किया कि मैं वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ूंगी, जो पार्टी अध्यक्ष यानी उनके भाई राहुल गांधी फैसला करेंगे उस फैसले पर अमल करूंगी। लेकिन मुझे जो जानकारी मिल रही है वो ये कि सोची समझी रणनीति थी, प्रियंका को चुनाव नहीं लड़ना था और आखिर आज इस अजय राय की बात कही जा रही है जो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे मोदी के लिए मोदी के खिलाफ, आज वो फिर से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि सोची समझी रणनीति थी जिस तरीके का सस्पेंस कांग्रेस की तरफ से बनाया गया, लेकिन मेरा सवाल ये कि कहीं ये सोची समझी रणनीति अब कांग्रेस पार्टी को बैकफायर तो नहीं कर जाएगी, कहीं बीजेपी की तरफ से अब इसे भुनाया तो नहीं जाएगा ये कहकर देखिए साहब हिम्मत भी नहीं दिखा पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने की? देखिए ये तो कांग्रेस के रणनीतिकारों ने पहले से सोच रखा होगा कि अगर हम ये फैसला करते हैं बात इस मोड़ तक आती है उस पर फिर बीजेपी किस तरीके से रिएक्ट करेगी, अब ये बीजेपी कौन सा दांव चलती है उस पर देखना होगा कि उस मामले को किस तरीके से कांग्रेस टैकल करती है। लेकिन हाँ ये अब तक मैं कह सकता हूँ कि एक रणनीति का हिस्सा था जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा था। अच्छा पंकज, जरा दर्शकों को यह भी समझाइए कि ये जो पूरी रणनीति जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिसे आप रेखांकित कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से थी, भाई बहन की तरफ से थी कि वाराणसी से प्रियंका गांधी उम्मीदवार बन सकती हैं, इसे लेकर वो जो एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, एक सस्पेंस बनाने की कोशिश की जा रही थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, कल होने वाले उनके नामांकन से पहले, क्या बीजेपी की कांग्रेस की इसी रणनीति के काट के तौर पर देखा समझा भी जा सकता है? देखिए जब चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में होता है तो मीडिया स्पेस कैसे लिया जाए, दो बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, मीडिया स्पेस में कैसे बना रहा जाए। आज एक अहम दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है वाराणसी में, तो पूरा मीडिया स्पेस सवेरे से लेकर देर शाम तक फोकस जो है मीडिया का वो मोदी पर है, अब इसमें कांग्रेस कैसी जगह बनाए इसके लिए सोचा समझा गया होगा। और आज टाइमिंग देखिए, राजनीति में टाइमिंग का बहुत अहम रोल होता है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ रोमाना, तो आज टाइमिंग देखिए कि इस वक्त में कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया कि नहीं प्रियंका नहीं अब अजय राय जो पिछला चुनाव लड़ चुके हैं वही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो आप देखिए हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं जिक्र कर रहे हैं, मीडिया फोकस जो अटेंशन था
वो तो डाइवर्ट हुआ ना बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की भी आज चर्चा हो रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कई बार होता रहा है और कई बार हुआ भी है।